फ्रेंड्स, मैं प्रणीता सावंत आपका द सावंत किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी डिश बनाएंगे जो पंजाबी घरों में अक्सर बनती है, और जब आप ये डिश बनाएंगे आपको अलग से सब्जी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं, और वो है दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी भिगोए हुए काले उड़द, आधा कटोरी भिगोए हुए राजमा, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो बड़े टमाटर की प्यूरी, दो बड़े चम्मच तेल, दो बड़े चम्मच बटर, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कटोरी क्रीम, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा जावित्री का, तीन छोटे इलायची, तीन लौंग, एक मिर्च बारीक कटी हुई, एक तेज पत्ता छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम इन काले उड़द और राजमा को कुकर में 8 से 10 सीटी होने तक पका लेंगे। ये दोनों पकने में टाइम लेते हैं, इसलिए हम 8 से 10 सीटी में पकाएंगे और हम पानी थोड़ा ज्यादा डालेंगे। ये राजमा और उड़द अब अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। अब हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तेल और उसमें डालेंगे ये बटर। बटर पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता, लौंग, इलायची, जावित्री और जीरा। जरा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज और इसे हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये प्याज सुनहरा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे जरा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी, दोनों लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स करके तेल छूटने तक ढक के पकने देंगे। टमाटर प्यूरी को तेल छूट चुका है, अब हम इसमें ये दाल डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे धीमी गैस पे ढक के 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे। हो चुके हैं और ये दाल अब तैयार है। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे।
अब हम इसमें ये क्रीम डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और ये दाल मखनी तैयार है। गर्मा गर्म दाल मखनी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे द सावंस किचन इमेज पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।